अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। जुलूस आज़ादारी अरबाइन के सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी, पत्रगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मीर बासित अली डबिलपुरा कॉरपोरेटर जुलूस आज़ादारी के इंतजाम का जायज़ा लिया और मीडिया से मुखातिब होकर तमाम इंतजाम की तफसील बताई और इत्मीनान का इजहार किया। आइए सुनते हैं इन्होंने मीडिया से क्या कहा। ये थी हमारे नुमाइंदे अकबर अहमद की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद मुजफ्फर, एसएम न्यूज़ से। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो जुलूस और जो आज़ादारी यहाँ पर होती है उसके सिलसिले में नकीब मिलत और हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैदराबाद सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं मेरे साथ में बरादरम जनाब सोहेल कादरी साहब, अथॉरिटी कॉरपोरेटर साहब और मीर बासित अली साहब दंदूरा कॉरपोरेटर, हम लोग ने एक इंतज़ामिया का एक जायज़ा लिया जहां पर छोटे मोटे जो काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब हसब मामूल अच्छे रोड हैं, अच्छी चीज़ हैं, लेकिन जहां पर छोटे मोटे कुछ पॉट होल्स हैं या स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस है, इन तमाम चीज़ों को तवज्जो देकर जो है ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है। इंशाल्लाह कल शाम तक ये तमाम काम को तकमील पाए जाएंगे। यहाँ पर बाल सटी के प्ले ग्राउंड में भी इस बार एक मजलिस होने जा रही है, उसके भी सिलसिले में यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो कॉरपोरेटर साहब की जानिब से यहाँ पर भी वो भी करवाए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से जो तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट से जो लोग अरबाइन मनाने आते हैं उनको जो है हर साल की तरह इस साल भी फातिमा वसी कम्युनिटी हॉल में एक फ्लोर के ऊपर उनको इंतज़ाम रहने का इंतज़ाम 3 दिन का इंतज़ाम किया गया है। तो बस मैं आपके ज़रिए से ये तमाम चीज़ों की इत्तला देता हूँ।